हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ एक नया रिक्रूटमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, जहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के सिक्योरिटी असिस्टेंट के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक एक करके जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। देखते रहेगा पूरा वीडियो लास्ट तक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते उनका पूरा डिटेल और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना है पूरा वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे ग्रुप डी के लिए भी रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। एप्लीकेशन करने के लिए आपको फास्ट में ही क्लियर करके बता दिया जा रहा है कि कौन सी जो जगह से जो है आप एप्लीकेशन कर रहे हो, तो उसका जो लोकल लैंग्वेज है उसी के आपको पता होना चाहिए, इसको दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में हर एक जगहों में जो है दिया गया है। टोटल वैकेंसीज है मिनिमम यहाँ पे 1621 वैकेंसीज निकल के आया है। इसी के साथ साथ क्लियर करके और भी डिटेल में बता दिया जा रहा है कि जो सैलरी है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 21,000 से शुरू होने वाला है। एमटीएस के लिए 18,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास, अगर आप 10th पास है तो डेफिनेटली यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते। 27 ईयर्स तक कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। एमटीएस के लिए 18 से 25 ईयर्स तक कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। यहाँ पे एज डिडक्शन भी आपको मिलेगा अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपको एज डिडक्शन भी आपको मिलेगा। टायर 1 टायर 2 के ऊपर एग्ज़ाम होने वाला है। टायर 3 के लिए पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू होने वाला है। तो टोटल आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो तो पूरा यहाँ पे एग्ज़ाम के पैटर्न भी दिया गया है। तो अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो टायर 1 में क्वालिफाई होना चाहिए, जहाँ पे जो सिलेबस रहने वाला वो है ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर जनरल अवेयरनेस क्वान्टिटी एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी इंग्लिश लैंग्वेज जनरल स्टडीज़ सब कुछ आपके पास होना चाहिए। टायर 2 के लिए आपको पूरा डिटेल दिया गया है, जहाँ पे इंग्लिश भाषा सब कुछ यहाँ पे रहने वाले हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा वो है 450 रुपीज़ फॉर जनरल एंड EWS कैंडिडेट। SC/ST के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देना पड़ेगा। लास्ट डेट है 25th of November 2022 तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। इसका जो ऑफिशियल लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इंटेलिजेंट ब्यूरो और IB के तरफ से जितनी भी वैकेंसीज निकल के आया है आप लोग वहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको ये सारे चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना होगा एप्लीकेशन करने के लिए। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिया गया है किस तरह से एप्लीकेशन, कौन सी भाषा में जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है, सब कुछ। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार चेकआउट कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। उसमें से आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो एंड वहाँ से आप लोग जो है इसको पा सकते हो। अगर कोई भी और जानकारी चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये भी एप्लीकेशन करने के लिए कोई दिक्कत है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो और ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।